हैं? पापा ने काट दिया। पेट तो जरी देगा घुमा तो। अरे कोई नहीं घूमेगा, तेरा भाई साहब खड़ा है। भाई साहब पूरा मॉल ही मुस्लिम से भरा हुआ है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेरे को खाली सामान उठाने के लिए ले गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सबका एक नए व्लॉग के साथ। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो नहीं बनाया बस मन नहीं कर रहा था कि रमजान में व्लॉग बनाओ, सिर्फ इबादत करो, नमाज पढ़ो, बस यही करने का मन कर रहा था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन आज मैं इफ्तार व्लॉग बना रहा हूँ। इफ्तार व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, इधर जो भी मुस्लिम या फिर कोई भी हिंदू रोज़ा रख रहा है, तो उन तक हम इफ्तार पहुंचाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं मॉल जाएंगे, वहां पर इफ्तार की शॉपिंग करके और फिर देखते हैं उधर जाके क्या होता है। भाई साहब काफ़ी गंदी हो रखी है गाड़ी, गर्म भी है भाई साहब, इतनी गर्म हो रखी है गाड़ी, पूछो मत। हाय 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 हाय, काफ़ी गर्म है गाड़ी। और अच्छू भाई भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम कर दो। और दीदी हमारी प्यारी सी दीदी, कैमरा देखते भैंस की टांग देख कैसी आवाज, सलाम ये क्या है भैंस की। सो फटाफट चलते हैं, एसी चालू करते हैं और फटाफट मॉल जाके आपको सीन्स बताता हूँ। क्यों? क्योंकि गर्म है बहुत गाड़ी और तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो रहा है। सो एनीवेज बिना किसी देर के चलते हैं। और वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, जो हमको सामान लाना है उसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, तो टाइम लगेगा उधर, तो फटाफट बिना किसी देर के चलते हैं। पापा ने बुलाया, देखते हैं पापा को क्या काम याद आया या किस काम से बुला रहे हैं। पहले पापा के ऑफिस जाएंगे और ऑफिस जाने के बाद मॉल जाएंगे, देखते पापा क्या बोलते हैं। दस रोज़े रखे ना, दस मतलब आठ रोज़े में तो थोड़ी सर्दी थी और 9-10वें रोज़े में मतलब गर्मी चालू पड़ गई भयंकर वाली। सो गाइस, दीदी गई थी पापा के पास, पप्पू जी पापा ने काट दिया, पापा ने काट दिया, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम हमारे खुद के पैसे से इफ्तार लाएंगे और देखते क्या होता है। व्यू चेक करो, व्यू। सो मैं क्या कह रहा था कि रोजे में ना ये सब कुछ एकदम छोटा सा लगता है, क्यों? क्योंकि इबादत अपन किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और काफ़ी धर्म के लोग सब रोज़ा रखते हैं और सबका अच्छा ही सोचते हैं, बुरा किसी का मत सोचो, जो बुरा सोचता है आपके बारे में उसके लिए भी अच्छा ही सोचो और अच्छे का तो अच्छा ही सोचो यार, क्योंकि ऐसा है ना, मैं भी कुछ भी करूँगा ना लोग बोलेंगे ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं क्या ही है मुझसे, कोई एलर्जी टाइप है किसी और से, मतलब मेरी बुराई करेंगे, ये तो ऐसा है ये तो वैसा है। भाई तुम मिलो तो सही मेरे को, मेरे साथ रहो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ तुमको पता चलेगा कि मैं कैसा बंदा हूँ। अल्लाह की कसम भाई, किसी का बुरा नहीं सोचता आज दिन तक, सबका अच्छा ही सोचता हूँ, लेकिन लोग मेरे लिए बुरा सोच लेते। सो गाइस देख सकते हो मैं मॉल पहुँच चुका हूँ, गला सूख रहा है एकदम। भाई हमारे चाचू जी, हमारे एरिया का रिलायंस मॉल है, तो इफ्तार की शॉपिंग हम यहीं पे करेंगे और भाई आराम से। तो भाई लिस्ट तो बता, क्या लिस्ट है तेरी? बहुत ही बड़ी लिस्ट है जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ये सब सामान चाहिए हमको इफ्तार के लिए, ये ले पकड़। तो मेरा काम कुछ भी नहीं है, दीदी के पीछे पीछे घूमना है और मैं यही करता हूँ, क्योंकि मेरी दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, सपोर्टिव सिस्टम। और तू इधर आ, जुम्मा मुबारक बोल दे। हाँ जी, तो पहला ये क्या है दीदी? मैदा। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे ये करूँ।
ये लेना है क्या? ये इसको हाँ फ्राई करते हैं, ये पापड़ है, पापड़ा पापड़ा चापड़ा समोसा। और अच्छू भी आपके क्या लेना है वो भी ले लो, आए हैं तो लगभग लेके ही जाएंगे, अभी तो काफ़ी तीन चीज़ें ही मिली है। सीन कुछ ऐसा है ना कि हम सिटीज़ में नहीं रहते, मतलब छोटी सिटी हमारी, तो मॉल भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर मॉल भी है, हम बोल सकते हैं कि हमारे मॉल में सब कुछ मिलता है। और अब तो लगभग बहुत सारे मॉल खुल गए हमारे यहाँ, लोगों को बस मॉल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। लोग देखते यहाँ पर तो ये कौन है चाचू। सो गाइस यहाँ पर मेरे दोस्त लगे हुए, सब जो भी इधर काम करते हैं वो दोस्त ही हैं। ये कौन सी ले रही है क्या तू? अबे जोर से खुलना होता है, ए सस्ते नशे करते हैं ये तो। ये क्या है? कॉर्न मोज़रेला चीज़। अच्छू तू भी घुस जा इसमें, तो बैठ जा इसके अंदर, बैठ तो सर एक बार बैठ। हाँ बैठ 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 बैठ, अरे बैठ ना, हाँ बैठा ना भैया, चो देख के बैठ तो सर ही देगा घुमा तो। अरे कोई नहीं बोलेगा, तेरा भाई साथ खड़ा है, नहीं तो हल्के में ले रहा है क्या? तू कितने रुपए का, तेरे को भी पार्सल करा ले तो। आए हाय हाय आए हाय हाय आए हाय हाय, अरे उसका पर लरोजा है। चीज मिली है, चीज डालेंगे। वाह वेरी गुड, एक शिमला मिर्च ली है रेड कलर की। ये शिमला मिर्च है, ये कौन सी मिर्च है? ये ऐसे कलर वाइज भी आती है क्या भाई? यस सेल्फी विद शिमला मिर्च। तो इसमें आलू भी है, और एक आलू ये हमारे पास, ये थोड़ा सस्ता आलू है। हमारा आलू आलू ले रहा है, यू आर आलू, इनके आलू ही खत्म नहीं हो रहे। तो भाई ऐसे ऐसे मॉल देखे ना, हल्के में ले रही है, अच्छा लग रहा है। उधर से तो बड़े टेडी बियर ही लटकते सुकून मिल रहा है, क्या हवा आ रही है, रोजा रख के आप इधर आके बैठ जाए। ऐसे ही घूमते मॉल में तो। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेरे को खाली सामान उठाने के लिए लेके आया, मैं घूम रहा हूँ ले लेके बस। अपना तो ये पीछे घूमते रहा। अब पापा की कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। भाई साहब पूरा मॉल ही मुस्लिम से भरा हुआ है, सब इफ्तार लेने आ रहे हैं। हमारे नरेश भाई है, बोल रहे थे व्लॉग बन रहा है कि नहीं बन रहा, इनको भी ले लिया, अब बन रहा है ठीक है। क्या चाहिए? खजूर, खजूर तो तू खुद ही है। हाँ भाई हमारे खजूर ने खजूर लिया। गाइस दो स्ट्रॉबेरी के पैकेट भी ले लिए मैंने एट द एंड। सो गाइस बिलिंग करा रहे हैं, और जो भी सामान यहाँ पर चाहिए था वो ले लिया है, देखो भैया जी बिलिंग कर रहे हैं। वो दूसरी डाल देंगे हवा, जिसके काम यही है फाड़ दी। हाँ तभी तो आलू आलू ने फाड़ दिया भाई। कैरी बैग डाल दो, कैरी बैग चाहिए। सो गाइस सामान वामान सब पैक हो चुका है, और कैरी बैग लेने गए भैया, तो अब घर जाएंगे हम, और आपको नेक्स्ट डे की बताऊंगा देख, क्योंकि आज नहीं कल जो भी इफ्तार बनेगी वो कल ही बनेगी, क्योंकि कल 23 है और दीदी का बर्थडे कल ही है, तो आवाज़ आ रही होगी इसकी फैन की। अकेले से बातें नहीं कर रहा मैं, ब्लॉग बना रहा हूँ। भैया हंस रहे कि अकेले क्यों बात कर रहा है, तो भैया को बताना चाहता हूँ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ।
गाड़ी ब्लॉक हो गई है। कौन आ रही है? लाइट नहीं आ रही है। कौन? कोई नहीं आ रहा। लाइट नहीं आ रही है तो भाई बहुत भारी। सो गाइस फाइनली शॉपिंग डन हो गई है और ये व्लॉग मैं कल फिर से चालू करूंगा, तो अब जा रहा हूं मैं घर। सो गाइस सेम व्लॉग अनदर डे। आज भी कुछ सामान रहता है तो आज भी हम कुछ सामान लेने जाएंगे और कल हमने सामान लाया था और भी कुछ सामान रह गया है तो वो हम लेने जा रहे हैं फिर से इफ्तार के लिए। और आज है मेरी दीदी का, प्यारी सी दीदी का बर्थडे, तो कृपया आप भी उनके वार्म विशेस भेजिए, उनको हैप्पी बर्थडे कर दीजिए। बस इतना ही होगा और फ्री पैलेस्टाइन। हाँ जी, तो गाइज आज स्कूटी लेके जा रहे और हैप्पी बर्थडे टू हर। आज मेरी प्यारी सी दीदी का बर्थडे है, प्यारी थोड़ी गुस्से आए। सो गाइज जिसमें सर्व करेंगे उसके लिए डिस्पोजल चाहिए, तो डिस्पोजल लेने आए हम। अंजी गाइज तो फिर से मॉल आ चुका हूँ मैं, क्योंकि कल फ्रूट्स नहीं लिए मैंने, क्योंकि फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, तो आज लेंगे हम फ्रूट्स और इफ्तार में वो फ्रूट्स ला लेंगे। सो गाइज आज मेरे साथ मेरे पापा भी आए, बिजी पर्सन। तो गाइज आज फिर से वही मेरे हाल है, हमेशा की तरह मेरे को ही सब कुछ पकड़ना पड़ता है। और भाई साहब खतरनाक की गर्मी पड़ रही है, ऑफिस आए थे पापा के, अब वापस कुछ काम है और नमाज भी अदा करनी है, टाइम हो गया है जोहर का और लाइट सही नहीं आ रही है, अब ठीक आ रही है। तो भाई सब कुछ तैयार हो गया, तैयारी फुल ऑन फुल चालू है, मामा और चाची और ये सब बच्चों इफ्तार तैयार कर रहे हैं और बाहर सब कुछ ये दीदी। हाँ तो इफ्तार तो रेडी हो चुकी है और मेरे दिमाग में आइडिया था, मैंने बोला था प्रे फॉर पैलेस्टीन, तो मैं क्या करूँगा, जो शरबत है उसके ऊपर हमने एक पॉलीथीन से उसको बंद किया है, फिर उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मार्कर से लिख दूँ प्रे फॉर पैलेस्टीन, तो जिनके पास भी इफ्तार जाएगी तो वो देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। अब ऐसा है ना कि आप इफ्तार पे बैठते हो और दस्तरखान लगा होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ्तार में तुम पूरे दिन रोज़ा रखते हो, तो इफ्तार जब तुम्हारी होती है तो तुम दुआ करो मुझसे और वो दुआ सुनी जाती है, तो इंशाल्लाह मैं वो प्रे फॉर पैलेस्टीन लिखने का मतलब यही है मेरा कि सब लोग दस्तरखान पे बैठ के दुआ करें पैलेस्टीन के लिए, अपने पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए इफ्तार वगैरह सब कुछ, लेकिन नेक बंदे वही है तो नेक बंदों के लिए तो दुआ बनती है अपने, तो इंशाल्लाह बस यही दुआ है कि उनको अपना घर मिले और सब कुछ बेहतर हो है उनकी लाइफ में। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत है, तो हमें भी अपना ईमान मजबूत करना है और नेक रास्ते पे चलना है, कोई कितना भी बुरा भला कहे वो छोड़ दो, नेक रास्ते पे चल रहे और वो अल्लाह उनके साथ है, भले कोई हो ना हो अल्लाह ज़रूर साथ है, और अपन यही कर सकते हैं, अपन उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह अपनी दुआ कबूल करे और उनको सारे मुकाम मिले। आमीन। सो गाइस सब इफ्तार रेडी हो चुकी है और ये सब लोग पहुंचाने वाले गली में, जिस जो कॉलोनी में सब रहते हैं उनके पास, जितना हो सका उतना किया हमने और इंशाल्लाह आने वाले रमजान में और भी अच्छा करेंगे। तो गाइस ये सब बच्चे इफ्तार के लिए आए। क्या नाम है? सोनिया, मलक, निकिता, बताओ जिया और नीलम, नीलम तेरा बीरा, महक आपका छोटू, रिक्शा रिक्शा डॉग बनाओ गेम खेल रहे हो।
आई होप गाइस आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और ऐसे ही प्यार बनाते रहे अपने भाई को। और थैंक यू सो मच, आपने 1K सब्सक्राइबर कर दिए और ऐसे ही अपन ने 1 लाख सब्सक्राइबर भी कर देना है। काफ़ी सारे व्लॉग आने वाले हैं, जो मैंने ट्रिप का बोला था कि मैं आपको होटल्स के टूर कराऊंगा, तो वो भी व्लॉग बन चुके हैं। तो बस ऐसे ही प्यार बनाते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। और फ्री पैलेस्टाइन, और ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस थैंक यू सो मच, बस अल्लाह हाफिज़।